देखिए क्वेश्चन कौन सा है अपना 16। ऑक्सीजन की योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें। सबसे पहला कौन सा है? उपचयन। और दूसरा कौन सा है? अपचयन। ट्रिक क्या बताई थी अपन ने? उबालना। उबालना ठीक है ना। उबलना का मतलब ये ध्यान से देखो, ऊ माने उपचयन और बा माने होगी वृद्धि। ऊ माने उपचयन, बा माने वृद्धि। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वो कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? उपचयन। अब उल्टा कर दो अपचयन का, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी वो कौन है? कौन सा कहलाता? अपचयन कहलाता। नहीं समझ में आया? उपचयन कौन सा है? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और अपचयन कौन सा है? जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है या ह्रास होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? अपचयन कहते हैं। याद हो गया? अब वही परिभाषा देखो। उपचयन वे अभिक्रियाएँ जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है उन्हें क्या बोलते हैं? उपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उपचयन। एग्जाम्पल में देखें, जैसे ये लिखा Cu, कॉपर लिखा, कॉपर के दो अणु हैं 2Cu, कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ रहा कि नहीं जुड़ रहा? प्लस हो रहा, ठीक है ना, इसलिए क्या बन रहा है? CuO, 2CuO बन गया, यानी कॉपर ऑक्साइड बन गया है। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ने किससे क्रिया की बेटा? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन जुड़ा कि घटा? जुड़ा है, तो क्या बन गया? CuO। इसलिए उस अभिक्रिया का नाम क्या है बेटा? उपचयन। क्या नाम है? ठीक है। सेकंड देखो, H2 है, H2 से कौन से क्रिया कर रहा? ऑक्सीजन, O2, तो क्या बन रहा? H2O। तो इस H2O में ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा? इसलिए जो कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपना कौन सा बेटा? सेकेंड है नहीं है अपनी कौन सी? अपचयन। वे अभिक्रियाएँ जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास मीन्स हटता है, कमी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? अपचयन कहते हैं। उदाहरण में देखें, जैसे जिंक ऑक्साइड है, कौन है बेटा? अभी ऑक्सीजन किससे जुड़ा? जिंक से जुड़ा। अब क्या हो गया? इसने क्रिया की कार्बन से, किससे की? तो देखो जेड एन अलग हो गया और ऑक्सीजन भाग गया इस बेचारे से जेड एन से, तो ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गया? सी के साथ, तो जेड एन प्लस सी ओ बन गया अपना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये बताओ कि जो जिंक है, जिंक से जो ऑक्सीजन था वो हट गया कि जुड़ गया? इसलिए कौन सी क्रिया हुई? अपचयन हुई। क्लियर? नेक्स्ट देखो, जैसे ये है कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया कौन से हुई? H2 से हुई। तो कॉपर ऑक्साइड है, H2 से क्रिया हुई, तो जो O जो है किसके साथ चला गया? H2 के साथ चला गया, तो जल बन गया बेटा। कॉपर क्या हो गया? अकेला हो गया। क्यों हो गया जी अकेला? क्योंकि इसके था, इसके साथ कौन सा था? ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन क्या होगा बेटा? भाग गया, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? अपचयन क्रिया। इसमें देखो मैंगनीज ऑक्साइड है MnO2, MnO2 के साथ कौन ने क्रिया की? HCl ने। HCl ने क्रिया की तो क्या बन गया बेटा? MnCl2 बन गया। देखो Cl ने Mn से क्रिया कर ली ना। अब CO जो है वो किसके साथ जुड़ गया? जल के साथ, तो क्या बन गया? H2O। इसमें से दो Cl बचे थे, तो लास्ट में देखो Cl2 बन गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जे Mn के साथ कौन था बेटा? ऑक्सीजन था, लेकिन अब Mn के साथ कौन आ गया? Cl आ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ गया कि भाग गया? ऑक्सीजन हट गया, इसलिए कौन सी क्रिया हुई? अपचयन हुई। नहीं समझ में आया? फिर आगे देखें, अपचयन हो गया अपना और उपचयन हो गया। वे अभिक्रियाएँ जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, उपचयन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा, अपचयन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन हट रहा, और कुछ ऐसी अभिक्रियाएँ हैं जिनमें दोनों साथ साथ होता है, ठीक है ना। वे अभिक्रियाएँ जिनमें उपचयन एवं अपचयन दोनों होता है, या एक
एक अभिकारक उपचेत एवं दूसरा क्या होता है बेटा, अपचेत होता है। दो अभिकारक हैं तो एक उपचेत हो रहा, तो दूसरा क्या हो रहा, अपचेत हो रहा है। उन्हें क्या बोलते हैं, उपचयन अपचयन अपक्रियाएं कहते हैं। कौन सी कहते हैं बेटा, उपचयन और अपचयन अपक्रियाएं, या एक और नाम क्या होता है, रॉक्स अपक्रियाएं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, H2 ने क्रिया की तो क्या बना, कॉपर प्लस H2। बात को समझना, ये कॉपर ऑक्साइड है, एक कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन देखो भाग गया तो क्या हो गया, अकेला Cu बचा कि नहीं बचा। तो ये कौन सी क्रिया हुई बेटा, क्यों हुई, क्योंकि इसमें से कॉपर जो ऑक्सीजन क्या हो गया, भाग गया। अब इसमें चलो एक अभिकारक ये हुआ, एक अभिकारक ये है, तो H2 है, H2 के साथ देखो यहाँ पर H2O हो गया ना, तो कहीं ना कहीं से इसमें H2O को H2 के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, इसलिए क्या बन गया, H2O बन गया। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा के घटा जुड़ा, इसलिए कौन सी क्रिया हुई, उपचयन हुई। तो ऐसी अभिक्रिया में देखो उपचयन भी हो रहा साथ साथ अपचयन भी हो रहा, इसलिए सब क्रियाओं क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, उपचयन अपचयन अपक्रियाएँ या रॉक्स अपक्रियाएँ, क्या बोलेंगे, या रॉक्स अपक्रियाएँ कहते हैं, ठीक है ना।